सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की बातचीत में सरकार कृषि कानूनों को 1.5 साल तक रोकने को तैयार हो गई है। इधर किसान संगठनों ने कहा है कि वो सरकार के इस ऑफर पर विचार करेंगे, सबसे राय मशवरा कर 22 जनवरी को जवाब देंगे। सरकार 1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। विज्ञान भवन में 4 घंटे से ज्यादा तक चली बैठक भी बेनतीजा ही खत्म हुई। हालांकि सरकार ने इस बार पहले से नरम रुख दिखाते हुए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को 1 से 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया और किसानों को इस पर ठंडे दिमाग से विचार करने को कहा। बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सके। हालांकि किसानों ने 11वें दौर की बातचीत को बेनतीजा बताया। किसानों ने बातचीत को जारी रखने की बात कही तो वहीं चर्चा के बाद 22 जनवरी को इसका जवाब देने की बात कही, लेकिन एक बार फिर किसानों ने ये साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं, तो साथ ही MSP की गारंटी का कानून भी। हम अपनी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करेंगे और परसों फिर मीटिंग होगी, हम उसको जवाब दे देंगे। सारे संगठन हमारा जो है 500 संगठन है, हम सलाह मशवरा करना पड़ेगा, फिर उसके सहमति के आधार पर हम परसों आके 12 बजे जो मीटिंग है वहाँ अपना मत रखेंगे। हमने मीटिंग करके ये बताया कि वी आर ऑन द रिपील ऑफ द लॉस विद द रिपील ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑन योर प्रपोजल, हम सोचेंगे कि आपकी प्रपोजल के बारे में। कल किसान संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें सरकार के प्रस्ताव पर समीक्षा होगी और इस पर अंतिम फैसला होगा। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ठंड में ठिठुर रहे किसानों का आंदोलन जब खत्म होगा तभी लोकतंत्र की जीत होगी। किसान ठंड में बैठे हुए हैं, तकलीफ पा रहे हैं, तो आंदोलन स्थगित हो, किसान अपने घर पर जाएं, किसानों के प्रतिनिधि और सरकार चर्चा करके समाधान निकाले। गुरुवार को किसान संगठनों के साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बैठक होगी जिसमें 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड निकालने पर चर्चा होगी। प्रभाकर मिश्रा, अमित कुमार और मनीष कुमार के साथ कुंदन सिंह, दिल्ली न्यूज 24।